तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। मैं आ गई हूँ नई वीडियो के साथ, लेकर आई हूँ सोहग यानी कि मोहब्बत सुरभि राठौर की आज की अपडेट। तो गाइस, ये कमेंट वाली वीडियो है। आई नो कि आपको कमेंट वाली वीडियो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि कमेंट वाली वीडियो में आप लोगों के कमेंट्स होते हैं। एंड मुझे भी कमेंट वाली वीडियो बनाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि कमेंट वाली वीडियो में आप लोगों के कमेंट्स होते हैं। एंड उन कमेंट्स को सिर्फ पढ़ते ही नहीं, हम यहाँ पर डिस्कस भी करते हैं। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला कमेंट है सानिया का, दी लहर दी के 100 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं। उन्होंने बोला था कि 100 के हो जाएंगे तो सोहग के साथ वीडियो आएगा उनका। हाँ गाइस, सुरभि एंड लहर दोनों ने ही बोला था कि जल्दी जल्दी लहर के चैनल पर 100 के करवा दो, तो एक सरप्राइज व्लॉग आने वाला है। एंड ये व्लॉग सोहग को देखा ही होगा, तो ऑलरेडी वो व्लॉग अपलोड हो चुका है। आई डोंट नो कि और भी व्लॉग है जो आने वाला है, होप सो वो व्लॉग आ जाएगा 100 के होने पर, क्योंकि सुरभि ने कहा था कि व्लॉग से रिलेटेड सरप्राइज है, तो क्या पता हो सकता है कि वो व्लॉग आने वाला हो लहर के चैनल पर। होप सो अगर वो व्लॉग लहर के पास बना हुआ रखा हुआ है तो वो अपलोड कर दे। रजिया खातून ने कमेंट किया है, थैंक्स दी इतने अच्छे अपडेट देने के लिए। एंड जिस दिन वो लोग मिलेंगे उस दिन तो हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। आई होप कि जो हम लोग सोच रहे हैं कि सोहग वापस आएंगे वो सच हो, तो आई विश एंड फिंगर क्रॉस्ड कि सोहग मिल जाए, क्योंकि हम सब यही चाहते हैं। इतने टाइम से हम सभी यही दुआ कर रहे हैं कि सोहग मिले। मुन्नी रजा ने कमेंट किया है, गॉड से बस यही दुआ है कि सोहग को जल्दी से मिला दे। तो हाँ गाइस, हम यही दुआ करेंगे एंड डेली हम यही दुआ करते हैं। बहुत से लोग तो दुआ कर करके थक गए हैं कि सोहग मिले, बट मुझे अब ऐसी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है कि सोहग जल्दी ही मिलेंगे। आजा लोहार ने कमेंट किया है, आज मैं बहुत खुश हूँ ये न्यूज सुनकर, सोहग अब जल्दी वापस आएंगे। थैंक्स दी इतनी अच्छी न्यूज देने के लिए, लव यू दी। तो थैंक यू सो मच पूजा। मोहम्मद फैजल ने कमेंट किया है, हेलो मैम, थैंक यू अपडेट देने के लिए, तो वेलकम। वैशाली तिवारी ने कमेंट किया है, भगवान करे ये वही सरप्राइज हो जिसका हम लोग वेट कर रहे हैं इतने दिनों से। तो आई होप गाइज इस बार हमारा दिल ना टूटे एंड सरप्राइज वही हो जो हम लोग सोच रहे हैं। एंड आई विश कि मोहक एंड सुरभि जल्दी जल्दी मिले हैं, एंड हम फैंस को जल्दी से सरप्राइज दे दें कि वो साथ में है, क्योंकि बहुत से फैंस थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं दोनों साथ में नहीं है, क्योंकि फेस को अच्छा नहीं लगता ये सिंगल सिंगल वीडियोस डाल रहे हैं। एंड इनके फेस से भी लगता है कि ये दोनों परेशान हैं, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। एंड गाइज हम भी इनको अलग नहीं देख सकते, तो आई होप सो कि यही सरप्राइज हो। तुषार एफएफ ने कमेंट किया है, हमें सलोनी की कोई भी अपडेट नहीं चाहिए। तो गाइज जैसा कि आपको पता है कि सुरभि और सलोनी काफी ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स हैं, साथ में भी रहते हैं, तो हो सकता है गाइज सलोनी की अपडेट की वजह से हमें कुछ हिंट मिले। तो सिर्फ वो अपडेट सेव करने के लिए मैंने वो अपने चैनल पर अपलोड की है गाइज, ताकि हमको पता रहे कि पास्ट में क्या हुआ था एंड सलोनी ने क्या कहा था। हो सकता है कि कुछ सलोनी हमें हिंट दे दे मोहक और सुरभि से रिलेटेड। रूपा शर्मा ने कमेंट किया है, सोहग प्लीज कम बैक। सानिया क्वीन ने कमेंट किया है, मतलब क्या है दी? तो सानिया ने मेरी जो स्टोरीज मैंने कल रात को डाली थी उनका मतलब पूछा है, जो कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ कौन सी वाली है। तो गाइज ये दो स्टोरी मैंने कल रात को डाली थी, जैसे ही सुरभि ने अपने स्नैपचैट पर ये क्वेश्चन वाला स्नैप डाला था, तो मैंने जल्दी ही आपको वो स्टोरी दिखाने के लिए अपनी स्टोरी में शेयर कर दी थी। एंड सेकंड वाली स्टोरी जो कि आपको समझ में नहीं आई होगी, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया है कि सुरभि ने अपने एक फोटो के साथ एक सॉन्ग यूज किया था, जिसके की लिरिक्स इस तरह थे कि अब हम झगड़ा नहीं कर सकते हैं, अब हम साथ में रहेंगे सिर्फ तुम और मैं। तो उसे ही एज अ हिंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। एंड उसके लिए मैंने पूछा था कि क्या लगता है गाइस प्रीवियस दोनों स्टोरी देखकर, क्या ये शुरू का हिंट है, क्या सच्ची में हमारे सोहग मिलने वाले हैं, इस बार भी हमारी उम्मीद टूट जाएगी। तो ये जो थर्ड वाली स्टोरी है, इन दोनों स्टोरी के रिलेटिव्स में मैंने डाली थी। आशिफा मिर्जा ने कमेंट किया, हेलो दी हाउ आर यू? तो आई एम गुड आशिफा, हाउ आर यू? आप बताइए कि आप कैसी हैं। सोहग फैन ने कमेंट किया है, फर्स्ट कमेंट। मदन गोदरा ने कमेंट किया है, फर्स्ट कमेंट। थैंक यू सो मच गाइज। उबेद भट्ट ने कमेंट किया है, सोहग कम बैक प्लीज। मोहम्मद फैजल ने कमेंट किया है, हेलो मैम, कैसे हो आप? सोहग कम बैक प्लीज। तो हाय मोहम्मद फैजल, मैं अच्छी हूँ, आप बताइए कि आप कैसे हैं। एंड आई होप सो कि सोहग जल्दी ही वापस आएंगे। पॉम्पी ने कमेंट किया है, दी कैसे हो आप? दी मैंने कल इंस्टाग्राम में मैसेज किया था सोहग को कि वो साथ में ब्लॉग और रील्स कब साथ में बनाएंगे, लेकिन दी सोहग ने मुझे भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। आई होप सो सोहग जल्दी मिल जाए, मैं गॉड से प्रे कर रही हूँ। तो हाँ पॉम्पी, मैं आपको बता दूँ कि जब भी कोई मोहक सुरभि को कमेंट करता है या फिर मैसेज करता है तो वो उसका रिप्लाई नहीं करते, यहाँ तक कि वो अपने फैन पेजेस को भी रिप्लाई नहीं कर रहे कि उनके बीच में क्या हुआ है। मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि उनके फैन पेजेस का इस पर क्या रिएक्शन है, आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखना, क्योंकि उस वीडियो से बहुत सी चीजें क्लियर होती है। एंड वैसे भी ये काफी ज्यादा पर्सनल मैटर है, तो मुझे नहीं लगता कि मोहक सुरभि इसे ओपनली किसी को बताएंगे। एंड जब इनको बताना होगा ये साथ में आ जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये इस पर एक वीडियो बनाकर हमें जरूर बताएंगे। श्रुति ने कमेंट किया, दी मोहक सुरभि को बहुत मिस करते हैं, पर वो अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं, फैंस को दिखाते नहीं, फैंस को दिखाना चाहिए सब। श्रुति ने ही अगला कमेंट किया है, मेरे समझ नहीं आता कि फैंस को अपना दिल चीर कर दिखाते कि मोहक को कितना फर्क पड़ता है, दी मोहक का स्वभाव ही ऐसा है कुछ नहीं बोलते। तो श्रुति, मुझे आपका ये कमेंट
थोड़ा समझ में नहीं आया, प्लीज़ आप इस वाली वीडियो में कमेंट करके मुझे बताएं कि आपके कमेंट का मीनिंग क्या था। प्रतीक्षा ने कमेंट किया थैंक यू दी, तो वेलकम प्रतीक्षा एंड थैंक यू सो मच कि आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करती हैं, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। श्रुति ने कमेंट किया दी थैंक्स इतनी अच्छी कमेंट वीडियो देने के लिए, और आप खुश सेफ रहिए, दुआ है मेरी, तो थैंक यू सो मच श्रुति। श्रुति ने ही अगला कमेंट किया है और दी सोहक जरूर वापस आएंगे, वीडियो देखने में लगता है कि वो जरूर आएंगे, मुझे तो ये भी लगता है कि मोहक सुर भी मिलते हैं पर सोशल मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। तो हाँ श्रुति, ये तो सच बात है कि मोहक सुर भी जरूर वापस आएंगे क्योंकि वो नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना। एंड रही बात मिलने की, तो मुझे भी एक दो बार लगा था कि मोहक सुर भी मिले हैं, हो सकता है कि उनके फ्रेंड्स ने उन्हें चीजें सॉर्ट आउट करने के लिए मिलाया हो आपस में। आनम ने कमेंट किया थैंक्स दी अपडेट देने के लिए, सोहक कम बैक प्लीज। सोनी शाह ने कमेंट किया वी मिस सोहक, प्लीज कम बैक सोहक टुगेदर। आशी करोसिया ने कमेंट किया वी वॉन्ट सोहक टुगेदर, प्लीज जल्दी आ जाओ। आसिफ खान ने कमेंट किया थैंक्स दी न्यू अपडेट देने के लिए, आप बहुत ही प्यारी हो, थैंक यू सो मच। सोनी शाह ने कमेंट किया दीदी अब तो बस सोहक का ओल्ड रील्स देखकर रोना आता है, पता नहीं कब मिलेंगे। तो सोनी शाह, कल और आज की सुरभि की स्नैप्स एंड स्टोरीज देखकर तो यही लगता है कि सोहक जल्दी ही मिलने वाले हैं, एंड अब आपको रोना की जरूरत नहीं है क्योंकि अब तो खुशी के दिन आने वाले हैं, हमारे सोहक मिलने वाले हैं। आशा दी ने कमेंट किया थैंक यू दी आप मेरी क्यूट क्यूटेस्ट दी हो, थैंक यू सो मच आशा। क्रिस्टिना के ने कमेंट किया है थैंक्स दी, तो क्रिस्टिना के ने कमेंट किया थैंक्स दी, तो वेलकम क्रिस्टिना एंड एनी टाइम फॉर यू। क्रिस्टिना आप वीडियो बनाती रहिए, मैं आपकी वीडियो देखती हूँ एंड मुझे अच्छी लगती है। मिसबा इस किचन ने कमेंट किया है वी वांट सोहक कम बैक। कनिष खालिदा ने कमेंट किया है यार पता नहीं कब सोहक का ब्लॉग देखने को मिलेगा। फैजल बाजी ने कमेंट किया है आज की सुरुदी की स्नैप देखकर लगता है शायद हमें हमारा सोहक वापस मिलने वाला है। आशिफ अमृता ने कमेंट किया हेलो दी हाउ आर यू, तो आशिफा मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं। किरण केशवाला ने कमेंट किया है मिस यू सोहक प्लीज कम बैक सोहक। अस्कल ने कमेंट किया वी मिस सोहक, आई मिस सोहक, वी वांट सोहक। थैंक यू सो मच गाइस इतना अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए, एंड आई होप कि मैंने आप सभी को